ट्रैवल विद सुधा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल अटल टनल के बारे में बात करेंगे। अटल टनल को रोहतांग टनल भी कहा जाता है। इस टनल के थ्रू टूरिस्ट कीलोंग, जिस्पा, शिशु, उदयपुर, पांगी, लद्दाख, खोक्सार, स्पीति वैली या फिर रोहतांग पास भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अटल टनल को क्रॉस करने के लिए आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। इस टनल को क्रॉस करने के लिए आपको कोई परमिट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इस टनल को आप किस टाइम तक विजिट कर सकते हैं, ये टनल को क्रॉस करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। 10,000 फीट के ऊंचाई में बना 9 किलोमीटर लंबा ये टनल ठंडी के टाइम में दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से बंद रहते हैं। इस वजह से आप इस टाइम इस टनल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मार्च के बाद धीरे धीरे BRO टीम के द्वारा ये टनल को क्लियर कर दिया जाता है और टूरिस्टों के लिए ओपन कर दिया जाता है। इस टनल के थ्रू अगर आप कीलोंग, जिस्पा, शिशु, उदयपुर, पांगी, लद्दाख, खोक्सार या फिर स्पीति वैली विजिट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी अलग से परमिट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस टनल के थ्रू अगर आप रोहतांग पास विजिट करना चाहते हैं या फिर रोहतांग पास घूमते हुए आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपको परमिट की ज़रूरत होगी। अगर आप सिर्फ रोहतांग पास विजिट करना चाहते हैं तो आपको रोहतांग पास परमिट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप रोहतांग पास घूमते हुए लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपको बियॉन्ड रोहतांग पास परमिट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। आइए अभी जान लेते हैं कि अटल टनल को आप किस टाइम में क्रॉस कर सकते हैं। अटल टनल दिन में दो बार मेंटेनेंस पर्पस की वजह से बंद रहता है। सुबह को 9 AM से 10 AM तक अटल टनल मेंटेनेंस की वजह से बंद रहते हैं और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक भी अटल टनल मेंटेनेंस पर्पस में क्लोज रहते हैं। तो ये दोनों टाइम में आप अटल टनल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठंडी के टाइम में अटल टनल रात को बंद रहते हैं तो ठंडी के टाइम में आप रात को भी अटल टनल में क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी अटल टनल रात में ओपन है टूरिस्टों के लिए। आइए आप कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो कि आपको अटल टनल क्रॉस करने के टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए। अटल टनल के एंट्री पॉइंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस एंट्री पॉइंट में आपकी गाड़ी की नंबर डिटेल्स चेक किया जाता है, इस वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड को कम रखनी पड़ती है। और एंट्री पॉइंट में डिजिटल स्पीड इंडिकेटर भी लगा हुआ है और अंदर भी अटल टनल के डिजिटल स्पीड इंडिकेटर लगा हुआ है। अटल टनल के अंदर आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर पर आवर के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे आप अटल टनल के बीच गाड़ी रोक नहीं सकते हैं या रोक के आप कोई भी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। अटल टनल के बीच में आप थोड़ी बहुत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अटल टनल के एग्ज़िट पॉइंट से 200 मीटर पहले आप कोई भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी गाड़ी से भी ना करें। यहाँ पर ये सब अलाउड नहीं है। सिर्फ एग्ज़िट पॉइंट से 200 मीटर पहले आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बंद कर देनी है। तो ये थे अटल टनल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको ध्यान में रखने से अटल टनल क्रॉस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।